हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसे हैं आप सभी? एक मिनट, आप सभी का अन अकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. तो आज जो है, बच्चे अभी लाइव नहीं आए हैं, एक बार लाइव आ जाएं फिर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सब लोग. आज चोला डायनेस्टी है, जो थोड़ा सा साउथ के जो वर्ड्स हैं वही बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो फटाफट लाइव आइए ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें पता चले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है. और जो नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये क्या क्या है, क्या आ गया, तोलप क्रियम कालिकारम, बहुत सारे नाम. तो फटाफट आ जाइए लाइव और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन. तो कुछ बच्चे आ भी चुके हैं, फटाफट मैसेज करके बताइए कि क्या आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है. नमस्ते जी, नमस्ते अजय कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर. तो ये अन अकेडमी का जो अब पूरे भारत का सबसे बड़ा चैनल है, उस पे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. किसके साथ? पूजा सिंह के साथ. तो आइए आज हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट, जो साउथ का पार्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं. तो थोड़ा बहुत नाम तो सुना ही होगा, चोल, चेर, पांड्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटा, वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये सब नाम तो सुना सुनाया सा है ही. तो चलिए, हेलो तमन्ना, गुड आफ्टरनून, जयदीप, प्रणाम जयदीप जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए, तो लेट्स क्रैक एनटीयू यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. तो अन अकेडमी पे आप लोगों को सिर्फ हिस्ट्री नहीं बेटा, सब फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करिए. और अन अकेडमी पे जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं भी उनसे पढ़ती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. क्योंकि मैं भी, ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी खत्म कर दी है, मैं भी तैयारी साथ साथ करती हूँ. तो यूजीसी नेट क्रैक किया था तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे आप फेस टू फेस टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं और घर बैठे ही, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट पेपर पे भी फोकस करिए, ऐसा नहीं सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस करिए, फर्स्ट पेपर पे भी इतना अच्छा फोकस करिए कि वो क्लियर होना जरूरी है. फर्स्ट पेपर इज कंपल्सरी टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करना ही करना होगा. फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आता है, सेकंड में 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपके 70 तो सही होने ही होने चाहिए. तो इस तैयारी से आप लोग करिए, ऐसी तैयारी करिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये अनसुना सा है. मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने से जाए तो ये लगे नहीं नहीं ये तो सुना सुनाया सा है, ताकि ऑप्शन से भी अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से कुछ चीजें हम कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक ऑब्जेक्टिव है. मान लीजिए हमें साउथ के बहुत सारे नाम नहीं याद होते, बट उसको कुछ ना कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें देख के हमें आंसर्स में पता चल जाता है, नहीं ये था, भले ही याद ना हो. तो ये बहुत बड़ा हमारा बेनिफिट है कि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है. तो वट यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू आर गेटिंग डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, जो आपको पेड है कोर्सेज, जो पूरा फुल सिलेबस का पेड कोर्स मिलता है आपको. पेड कोर्स के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा. वहां पर पूरा टॉपिक बाय जो 1 2 3 4 5 से ऐसे सीक्वेंस में टॉपिक चलते हैं कि पहला ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वहां पर आपको वो पेड है तो उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां पर आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं, जैसे मैं अब ज्यादातर क्विजेस कराऊंगी क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस हमारे कवर हो चुके हैं. अब जो है क्विजेस करके वहां पर जो डाउट्स होगा उसको हम लोग करेंगे. रश्मि, हेलो रश्मि, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाँ, थोड़ा सब समझने पे ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मैसेज देती हूँ. अनलिमिटेड एक्सेस है, अगर एक बार आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है रिकॉर्डेड वीडियोस की. तो लाइव अगर आना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाती हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने डिवाइस पर बैठ के, किसी भी डिवाइस पे, फोन पे, किसी पे भी आप लोग देख सकते हैं. लैपटॉप की जरूरत नहीं है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, आज आज का जो टाइम है उन सबके बच्चों के पास फोन तो होगा ही. तो आप लोग अपने कंफर्टेबल के हिसाब से किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं, कंफर्ट के हिसाब से. ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन के बारे में है. और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर ईएमआई अवेलेबल है. तो जैसे आप लोग अभी जस्ट पीजी में एनरोल हुए हो तो आपको एग्जाम देना है, तो फटाफट ये नहीं कि एग्जाम देने चले जाएं, इजी नहीं है. एनटीयू यूजीसी नेट आपको पता है बहुत टफ पेपर होता है, इजी नहीं है. पहली बार देने जाओगे तो डिप्रेशन लगता है, क्वेश्चन आए कहाँ से, ऐसा लगता है सब कुछ नया नया है, जबकि हम पीजी में वो चीज पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी वहां सब कुछ बदला, एकदम अलग सा लगता है. तो एटलीस्ट मेरे कहने पर आप लोग 1 ईयर की तैयारी तो करके तब एग्जाम देने चाहिए.
तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जब पीजी कर रहे हैं तभी ले लीजिए, उसके साथ परसुइंग पीजी में ही। और 866 रुपये सिर्फ फीस है इसकी, मंथली ईएमआई है, 10,000 फीस होती है। इसमें भी आपको डिस्काउंट 10% मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज करते हैं PS007। तो ये बातें सबको बताइए, सबको बेनिफिट हो, सबको फायदा पहुंचे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा लेक्चर नहीं देते, अब जो है शुरू कर। दिस इज अबाउट मी, आई एम नेट क्वालिफाइड। 2014 में जब आप लोग देखोगे, 2014 का मेरिट उठा के देखो, बहुत हाई गया था उसमें, पेपर बहुत टफ आया था और मेरिट भी हाई गई थी। तो उसमें उसमें मेरा 69 क्वेश्चन सही थे हिस्ट्री में, तब जाके सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट टाइम पे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चोल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। ये आपकी चोला डायनेस्टी है। तो चोल डायनेस्टी शुरू करने से पहले मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या चोलों का समय क्या था, किसको चोलों के बारे में क्या पता है, कि क्या ये चोल डायनेस्टी जो हम 19th सेंचुरी में पढ़ते हैं, क्या वही चोलाज हैं या कोई और चोलाज भी थे? आंसर दीजिए पहले कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, चोल डायनेस्टी के फाउंडर, संस्थापक, फाउंडर संस्थापक कौन थे? जल्दी बच्चे जल्दी, 13 लोग देख रहे हैं, 13 लोग लाइव है, सेशन को शेयर करो और सारे लाइव आ जाएं, फिर मजा आए चोल पढ़ाने में, इंटरेस्ट भी और बढ़ जाता है। जब ज्यादा स्टूडेंट होते हैं क्लास में, भीड़ ज्यादा होती है, मजा ज्यादा आता है। तो सेशन को शेयर करिए फटाफट, आप लोग भी अपने दोस्तों से शेयर करिए, सबको लाइव बुलाइए फटाफट। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, हाँ? सोचा जा रहा है या नेट पे सर्च किया जा रहा है? विजयालय, रश्मि कुमारी का आंसर है विजयालय। और चलिए विजयालय, तो इसका मतलब आप लोगों को 18th सेंचुरी वाले ही चोला के बारे में पता है। संगम युग में भी चोला थे, चोल चेर पांडे, सुना है ना, संगम युग जो कि 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी में ही, प्रथम शताब्दी द्वितीय शताब्दी के समय कर ही चोलास थे, जिसमें कारिकाल का नाम आप लोगों ने सुना है। तो वो सारे नाम याद, क्योंकि कारिकाल आ जाएगा तो आप लोग सोचोगे अरे हमने तो चोला डायनेस्टी पढ़ा था, उसमें तो कारिकाल थे ही नहीं, जबकि कारिकाल सबसे महान शासक माना जाता है, जिसका उसमें महाभारत, मेगास्थनीज और अशोक के अभिलेखों में भी नाम मिलता है, जिसने 11 राजाओं के समूह को पराजित किया है और 9 राजाओं को समूह को पराजित किया है, श्रीलंका पे 50 साल तक राज किया है, कारिकाल। बिल्कुल, तो रुमा बिल्कुल सही। तो अभी उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं इनका मैप। देखिए ये आपका पूरे भारत का जो मैप देख रहे हैं, थोड़ा सा सिंपली आप लोगों को समझा देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ट्रेड के बारे में, ट्रेड रूट है इनके, जो ब्लू लाइन दिख रही है, और चोला टेरिटरीज हैं, जो पर्पल लाइन दिख रही है, ये इनके जहां पर चोल राज्य था, जिनका कब्जा था, वो एरियाज थे, श्रीलंका पर भी बताया इनका कब्जा था। तो पर्पल जो एरियाज हैं वो टेरिटरी है इनकी, चोला इन्फ्लुएंस थे, यहाँ पर इन्फ्लुएंस था लेकिन इनको जीत नहीं पाए थे। यस मैम, चोला शासकों में सबसे प्रतापी था, हाँ जी बिल्कुल। तो अभी बहुत सारे राजा हैं, करीब 20 राजा हैं, तो 20 राजाओं का नाम थोड़ा सा टफ है याद करना, बट याद तो करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाते हैं, ये अपना भारत है, पहले समझ लीजिए फिर कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आपका ये देख रहे हो, ये क्या कौन सा पार्ट कहलाता है, जल्दी बताएं। ये पूरा हमारा जो साउथ में आ रहा है, साउथ पार्ट। तो साउथ पार्ट में उसमें ये नहीं कि एक राजा रूल कर रहा होता है, उस समय बहुत सारे रूल कर रहे होते हैं। तो पल्लव वंश भी रूल कर रहा था, पल्लव, और पल्लव वंश के ही ये लोग सामंत थे, पल्लव वंश के ही ये लोग सामंत भी थे। और दूसरा आंसर दीजिए फटाफट, पूछ रहे हैं कौन कौन से कंटेम्परेरी वंश थे, पांडे वंश, दक्कन, दक्षिण, बिल्कुल सही, ठीक है, दक्कन, पल्लव वंश, पांडे वंश और एक राष्ट्रकूट वंश थे, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कृष्ण तिथि का नाम आएगा अभी, कृष्ण तिथि के नाम से ही शुरू करेंगे हम लोग। तो राष्ट्रकूट वंश एक था, कृष्ण तिथि ने पराजित किया था चोलाज को, तो इसलिए इनका नाम आएगा कृष्ण तिथि, जो कृष्ण राष्ट्रकूट वंश के थे, ये भी कंटेम्परेरी थे। दूसरा आप एक पश्चिमी गंग का नाम सुनते हो, जो यहां पर थे, पश्चिमी गंग वंश, पश्चिमी गंग वंश, इन्हीं पश्चिमी गंग वंश से मिलकर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तिथि ने जो चोलों को परास्त किया था। तो ये पल्लव वंश थे, इन्हीं के जो विजयालय थे, इन्हीं के सामंत थे, जो विजयालय थे पहले इन्हीं के सामंत थे, बाद में वो खुद ही राजा बन बैठे और नए वंश की स्थापना करी, दैट इज
चोल वंश। तो चोल वंश आपका यहां रूल कर रहा था पूरा, जो अभी ये मैप दिखाया, ये चोल वंश। इसने श्रीलंका पर भी कब्जा किया था। ये सारी चीजें, पहले कारिकाल ने कब्जा किया था, फिर राजेंद्र प्रथम ने, सबने धीरे धीरे पल्लव वातापी चालुक्य राष्ट्रकूटा, हाँ वेगी के चालुक्य, दो नाम और आएंगे, एक तो वेगी के चालुक्य आएंगे और एक आएंगे दूसरा चालुक्य, उनका भी नाम होगा बट आप लोग कंफ्यूज में, कल्याणी के चालुक्य और वेगी, इनका भी जब पढ़ाएंगे तो वेगी के चालुक्य अलग पढ़ेंगे और कल्याणी के चालुक्य अलग पढ़ेंगे। तो ये सारे साउथ के डायनेस्टी से, नॉर्थ के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, मुगल वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, नॉर्थ के बारे में बच्चों को शुरू से ही पता होता है, बट साउथ के बारे में थोड़ा सा, जबकि साउथ का इतिहास बहुत ही अच्छा इतिहास माना जाता है, बहुत ही तरक्की था उस समय साउथ में, लेकिन साउथ के इतिहास को कहीं ना कहीं दबा दिया गया और साउथ के इतिहास को बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, बट जो आपकी NTU UGC नेट है वो साउथ से भी इतिहास उठाता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका जो भारत का पूरा मैप मैंने दिखाया, इसमें ये चोल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ये है जो यहाँ पर ये पूरा कब्जा दिखा रहा है ब्लू पर्पल लाइन से। पल्लव वंश याद रखना कि इन्हीं के सामंत थे ये लोग, विजयालय, और पश्चिमी गंग इसलिए याद रखना क्योंकि कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, कृष्ण तृतीय, उन्हीं के साथ मिलकर पश्चिमी गंगों ने, राष्ट्रकूटों ने चोल वंश को पराजित किया था। और एक सोमेश्वर प्रथम का नाम आएगा जिसमें सोमेश्वर प्रथम पराजित हुए चोल राजा द्वारा और उन्होंने आत्महत्या कर लिया था तुंगभद्रा नदी में, जो उनको हारने की शर्म थी उससे उन्होंने तुंगभद्रा नदी में, ये एग्जाम में आया हुआ है कि किस शासक ने पराजित होकर तुंगभद्रा नदी में डूब कर अपनी जान दे दी थी। तो था सोमेश्वर प्रथम जो पराजित हुआ था चोलों द्वारा और उसने तुंगभद्रा नदी में डूब कर जान दे दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये बेस आपका बन गया है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो पहले क्वेश्चंस कुछ आंसर कर लेते हैं, ये मेरा टैक्टिक समझ लीजिए या जो भी समझिए, एक यही होता है हमेशा कि पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। कुंडल संगमम के वार में 1062 में, कुंडल संगमम क्या बात है, मुझे लगा कुंडल संगमम का नाम तो युद्ध सुना ही नहीं होगा। बिल्कुल सही, सोमेश्वर प्रथम पराजित हुआ था कुंडल संगमम के युद्ध में, अभी वो सब आगे बताते हैं। तो ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन क्विजेस कर लेते हैं फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, राइट। चलिए, तो द चोला रूलर हु फेस्ड अ डिफीट एट द बैटल ऑफ तकोल्लम। देखिए थोड़ा सा नाम टफ है तो मैंने कहा था कि कुछ भी ट्रिक करके याद कर लीजिएगा, यह ऑप्शन में आएगा तो याद हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिएगा। जो कौन सा जो है चोल रूलर था जो डिफीट हुआ बैटल ऑफ तकल्लम में, परांतक प्रथम था, आदित्य प्रथम था, या राजेंद्र प्रथम था, या परांतक विजयालय था, या परांतक प्रथम था। तकोल्लम यही है जो कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था परांतक। अच्छा आंसर दीजिए पहले। नाइन फोर्टी नाइन में बैटल ऑफ तकोल्लम हुआ था, या तकोल्लम का युद्ध, तकोल्लम का युद्ध। हाँ जी बिल्कुल सही, दुकल्लम का युद्ध 449 में हुआ था जिसमें परांतक प्रथम को पराजित किया था कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण तृतीय ने जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और किसकी मदद से, पश्चिमी गंगों की मदद से, पश्चिमी गंगों की मदद से इन्होंने परांतक प्रथम जो बहुत ही महान शासक माने जाते थे चोला वंश के, इन्होंने इनको परास्त कर दिया। दूसरा है ऑथर ऑफ द बुक वीरसौलियम के ऑथर कौन थे, भावनंदिनी, बुद्धमित्रा, उगलेंद्री, ओटाकुट्टर। थोड़ा नाम अजीब से है, मैंने पहले भी बताया था। नो, अच्छा फर्स्ट का डी, सेकंड का वीरसोलियम के रचयिता कौन है, ऑथर, सी, नहीं सी गलत है, सी नहीं है माया जी, थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर दे लेंगे आप लोग।
चलिए हम ही बता देते हैं, बुद्ध मित्रा। तो ये अच्छा, किसी भी प्रशासन को, किसी भी राज्य को, किसी भी ऐतिहासिक चीज को जानने के लिए हमारे पास तीन स्रोते, तीन सोर्स होना चाहिए, तीन स्रोत होना चाहिए। एक होता है पहला तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम साहित्यिक स्रोत। थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, या विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसमें भी हमें तीन चीजों से मिलता है। तो ये बुक क्या है हमारा? लिटरेरी सोर्स ही है। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कितने कितने सोर्सेज हैं हमारे बारे में, हमारे चोल साम्राज्य को जानने के बारे में। तो पहले क्वेश्चन आंसर 10 ही है, 10 को फटाफट कर लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम? चोला साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? थर्ड का ये तो बता ही लेंगे आप लोग, बहुत इजी है, अभी चर्चा भी हुई थी इस पे। क्वेश्चन को शेयर करिए भी, 30 उस दिन 30 बच्चे आ चुके थे, आज कहाँ चले गए? बी, बिल्कुल सही, विजयालय। विजयालय इसके संस्थापक थे, जो कि किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोलाज? चोलाज की राजधानी क्या थी? कांची, तंजौर, बादामी, एलोरा। कांची, तंजौर, बादामी या एलोरा? इंद्रजीत मंडल, बी। ओके, फोर्थ का बी बता रहे हैं या थर्ड का बी बता रहे हैं? फोर्थ का ए गलत है, फोर्थ का बी किसने बताया? हाँ, फोर्थ का बी है, तंजौर इनकी राजधानी थी। अभी जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा, तो आप लोग इसको इजीली आंसर दे सकोगे। अभी जब टॉपिक हो जाएगा, ये सब सारा और टॉपिक में कवर है। थर्ड का, फोर्थ का ए, साक्षी, फोर्थ का बी, ठीक है, फोर्थ का बी करेक्ट आंसर है। तो तंजौर इनकी राजधानी थी पहले। द चोला किंग हु ब्रॉट हाफ ऑफ द सिलोन, मतलब इसको श्रीलंका बोल सकते हैं आप लोग, सिलोन को, श्रीलंका, अंडर हिज कंट्रोल। आधा श्रीलंका पर कंट्रोल किसने कर लिया था? राजेंद्र प्रथम ने, कोलुतुंग ने, कोलुतुंग फर्स्ट ने, राजा राज प्रथम ने, या राजाधिराज ने? किसने आधे श्रीलंका को जीत लिया था? आधे श्रीलंका को जीत लिया था, आंसर रूमा का आ चुका है, माया का। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, सी, राजा राज फर्स्ट ने हाफ श्रीलंका को जीत लिया था। द चोला किंग हु कंकरेड एंटायर श्रीलंका, पूरे श्रीलंका को किसने जीत लिया था? राजेंद्र ने, महेंद्र ने, नंदीवर्मन ने, विष्णुवर्धन ने? पूरे पूरे श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त करी थी? राज राज फर्स्ट, बिल्कुल सही, राजराज फर्स्ट। तो अच्छा, फिफ्थ का दे, सिक्स्थ का सी नहीं, नंदीवर्धन नहीं था, सिक्स्थ का राजेंद्र। हाँ बिल्कुल सही, राजेंद्र फर्स्ट लिखा है माया ने, बिल्कुल ठीक है। और एक ने किसने दिया? वर्धन जी ने दिया है एक, बिल्कुल सही, इंद्रजीत, सबने ए दिया, ठीक है। तो ए इन्होंने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ राजेंद्र? राजेंद्र की उपाधि क्या थी? देव नाम प्रिय, देवपुत्र, अवनिसिम्हा या गंगोई कोंड? बहुत इजी है ये क्वेश्चन सेवेंथ, क्योंकि जब इन्होंने गंगा एरिया को जीतने के लिए निकले थे, उसके बाद वो जीत लिए थे, तो बहुत इजी है। तो उनका उन्होंने उपाधि धारण की थी गंगई कोंडा की। तो आंसर इज डी, सेवेंथ का डी, हाँ जी बिल्कुल सही। हु बिल्ट अ न्यू टाउन कॉल्ड गंगई कोंडा चोलापुरम? गंगई कोंडा चोलापुरम एक नई टाउन किसने स्थापित की थी? राजेंद्र राज ने, अमोघवर्ष ने, गोविंद ने, या राजेंद्र ने? सेवेंथ का डी, ओके, सेवेंथ का डी ठीक है। एट्थ का बी नहीं, गलत है, एट्थ का डी, रूमा का आंसर सही है, राजेंद्र ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ राजाधिराज
वॉज द कंक्वेस्ट ऑफ, जो बहुत ही जो उनकी जीत थी, विक्ट्री थी, विजय थी राजेंद्र, वो कौन सी थी? श्री विजय पर, श्रीलंका पर, सिलोन पे, या कंबोडिया पर, या कलिंगा पर? नाइन्थ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ राजाधिराज वॉज द कंक्वेस्ट ऑफ श्री विजय, सिलोन, ए पूजा कुमारी, ए किसका? नाइन्थ का ए? अगर नाइन्थ का ये है तो बिल्कुल सही है, श्री विजय तमन्ना, नाइन्थ का ये बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हु वॉज ग्रेटेस्ट एमंग द चोलास ऑफ द संगम एज, संगम का जो संगम युग के राजा थे उसमें सबसे महान कौन थे? विजयालय, करिकाला, या सिंहवर्मा, या दंतिदुर्ग? दंतिदुर्ग वैसे राष्ट्रकूट किंग था, एक ऑप्शन आपका कट गया। 10th का बी, हाँ जी बिल्कुल सही, कारिकाल थे जिन्होंने 12 राजाओं के समूह और 9 राजाओं के समूह को पराजित किया है। हु बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम जो अभी नया नाम है, किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन ने, नंदी वर्मन ने, आधिराज राजेंद्र ने, अधिराजेंद्र ने, या करिकाल ने? 11th का डी, क्या बात है, करिकाल ने, एकदम सही। कावेरी पट्टनम अभी नया नाम जाना जाता है इसका, पहले नाम था शायद पुनेरी, पुनेरी नाम था इसका, जो आज कावेरी पट्टनम से नाम सुना जाता है, हो सकता है यहाँ पुनेरी दे दे आपको तो वो आंसर हो जाएगा। मैम नेक्स्ट एग्जाम कब तक हो सकता है? बेटा दिसंबर तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना नहीं है, अपने भारत की जो है गवर्नमेंट इतनी फास्ट नहीं है, अभी कोई भी कमीशन इतने फास्ट नहीं है कि अभी 9 अक्टूबर को एग्जाम कराया था उतनी जल्दी फिर कंडक्ट करवा देंगे। फिफ्थ तक उम्मीद रखिए कि आ जाएगा कुछ इनका। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इम्पीरियल चोलाज, ये तो हो चुका है। चलिए तो अब बात करते हैं इनके उत्पत्ति के बारे में। तो ये देखिए, सोर्सेस टू नो हिस्ट्री ऑफ चोलास, जो कि इतिहास जानने का, जो हिस्ट्री जानने का जो स्रोत होता है, पहले ही बताया है 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल, दूसरा लिटरेरी, और तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो यहाँ पर मेरी हैंड राइटिंग है, आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है, समझ में आ रही है ना सबको? आई नो थोड़ी सी खराब है, हिंदी मेरी खराब बन जाती है, तो आई नो, आई होप आप लोग समझ सको, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल होता है पुरातात्विक साक्ष, लिटरेरी सोर्स होता है साहित्यिक साक्ष, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब यही अगर इतिहास हमारे पास है तो हम उसको स्रोत मान सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि हाँ ये स्रोत, इसको हम प्रूफ है कि हाँ इनके बारे में हमें कोई जानकारी इतिहास में प्राप्त हुई है जो कि सत्य घटना पर आधारित हो सकती है, उसको हम सत्य मान सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल को सबसे ज्यादा प्रूफ एविडेंस माना गया है, और क्योंकि साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी के पक्ष में ज्यादा लिख देते हैं, उसकी पॉजिटिव बातें ही दिखाते हैं, नेगेटिव बातें नहीं दिखाते हैं, इसलिए जो है अभिलेख, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जैसे उसमें एक आता है अभिलेख, तो इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं अभिलेख, तो अभिलेख में जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ राजा अभिलेख लिखवाते हैं जो पत्थरों पे उके कुरेद के बनाया जाता है, लिखा जाता है, जो कभी मिटाया भी नहीं जा सकता, जल्दी वो नहीं खत्म होते। तो थोड़ा सा ये नाम टफ है अभिलेखों के, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभिलेख बहुत आता है। तो जस्टिस में सब ज्यादा ये पूछते हैं, और ये पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं, बाकी आप पूरा याद कर लेंगे तो आपके ही फायदा। मैम क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर्स कराया करिए, बिल्कुल, मैं क्लास के बाद ही पहले कराती थी, लेकिन अभी इसलिए कराती हूँ, मुझे एक बार आप लोगों का मेंटल स्टेटस पता चल जाता है कि आप लोग उसके बारे में कितना जानते हैं, और मैं कितना फिर उसके बारे में कैसे बेसिक से शुरू करूं या थोड़ा सा ऊपर से शुरू करूं। तो जब पता चल जाता है, नहीं अच्छा आप लोगों को फाउंडर पता है, चोल के बारे में सुने हो या थोड़ा सा है, तो फिर आगे मुझे उसको समझाने में इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तिरुवलगाणु अभिलेख जिसको राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, उत्तर मेरु अभिलेख परांतक प्रथम से संबंधित है, तुरुवेंदपुरम अभिलेख राजा राज तृतीय से संबंधित है, मणिमंगलम अभिलेख राजा राज प्रथम से, एंड तकोल्लम अभिलेख आदित्य प्रथम से। तो आई नो टफ नाम है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कुछ भी करके, फिर कोई अपना अपना शॉर्टकट बना लीजिएगा, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते ही याद हुआ, पहले मैं ऐसे पढ़ लेती थी, ऑप्शन से कर लेती थी, तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तिरुवलगाडु अभिलेख,
राजेंद्र प्रथम की है, उत्तर मेरुर अभिलेख परांतक प्रथम की है, तिरुवेंदपुरम अभिलेख राजाराज तृतीय की है, मणिमंगलम अभिलेख राजाराज प्रथम की, तकुल्लम अभिलेख आदित्य प्रथम की। और साहित्यिक स्रोत जो इस चोल इतिहास के बारे में हमें बताते हैं वह है जय गोंदार की लिखी गई कलिंगतुरपर्णी। इसको भी देखिए साउथ का नाम है, जैसे साउथ के सारे ऐसे नाम होते हैं, कलिंग चतुपर्णी। एंड जो है जो ये सेक्किलार थे, इनके बारे में बहुत आता है। सेक्किलार ने लिखा था परिथ पुराणम, बुद्ध मित्र ने लिखा था बीर सेलियम, बीरे शोलियम। तो ये सारे नाम आप लोग, तीन नाम है ये भी याद रखिएगा, नहीं याद होता तो बैठ जाइए एक दिन, जब रटते रहिए रटते रहिए रटते रहिए, उसको देखते रहिए देखते रहिए, एक दिन याद हो ही जाएगा। और ऑप्शन में अगर आ गया तिरुवालगढ़ अभिलेख तो पता चल जाएगा, अच्छे साउथ वाला जो वही पढ़े थे हमने चोल में वही है, ऑप्शन देख के याद आ जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण, तो जो एक विदेशी यात्री था चाऊजी कुआं, ये आए थे इनके शासनकाल में दौरा करने भारत का, जिसने लिखा है चू फान चुन, क्योंकि चाइनीज सारे नाम ऐसे ही होते हैं, तो फायान की जैसे फियोकी की, उसने लिखा था फियोकी, वैसे ही चाऊजी कुआं ने लिखा है चू फान चुन। ये बुक का नाम आ सकता है कभी कभी, चू फान चुन किसने लिखा है, तो चाऊजी कुआं ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है। आप चलिए अपने मेन, अब शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोल वंश की ओरिजिनली कहाँ हुआ, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ अपनी लिखित नोट्स दिखाना चाहूंगी जो मैंने खुद अभी आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि ये सारे कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट जो मैंने खुद लिखा है, थोड़ी सी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, वो पहले दिखाना। अच्छा, इसमें सिर्फ अभी दो राजाओं का नाम है, विजयालय और आदित्य प्रथम का। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम राजेंद्र प्रथम और इनके क्वाइंस के बारे में बात करेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो पार्ट 2 भी हमारा इसका आएगा। तो पहले मैं आपको वो चीज दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, तो देखिए जो 9th सेंचुरी आई, जिसमें चोल साम्राज्य हम पढ़ते हैं अभी, जिसका आप लोगों ने नाम बताया कि विजयालय इसके फाउंडर थे, आप लोगों ने ही नाम बताया कि विजयालय इसके फाउंडर थे, लेकिन इससे पहले भी 2nd शताब्दी में भी कोई था। 2nd शताब्दी में भी चोलों के बारे में हमें जानकारी मिली है, मेगस्थनीज से मिली है, महाभारत से मिली है और अशोक के इंस्क्रिप्शन से मिला है। इसका मतलब अशोक से पहले जो चोला राजा रूल करते थे, लेकिन उनकी इतिहास अंधकारमय है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो पहले हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो पहले आए उनके बारे में पहले जानेंगे, जो बाद में आए उनके बारे में हम जब बाद में जानेंगे। तो संगम युग के चोल राज्य, जो संगम युग था जिसमें चोल चेर और पांड्यों का भी उल्लेख मिलता है, तो जो चोल साम्राज्य था जो मिला, चोल राज अत्यंत प्राचीन राज्य था, मतलब ये नहीं कि आपकी 9th सेंचुरी में ही, ये बहुत पहले ही रूल करते थे, लेकिन इनका जो इतिहास है वो बहुत अंधकारमय है, जो हमें पूरी इसकी आरंभिक इतिहास के बारे में, हमें स्टार्टिंग जो हिस्ट्री है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। बट महाभारत से, मेगस्थनीज के वृत्तांत से जो मेगस्थनीज ने लिखा है, और अशोक के अभिलेखों से ये पता चल पाया है कि 2nd सेंचुरी के आसपास भी ये लोग ईसा पूर्व 2री सदी में भी इन्होंने ये रूल किया करते थे, और कोई कारिकाल नामक महान शासक था जो चोल साम्राज्य का ही शासक था। तो चोल वंश का आरंभिक इतिहास मैंने बताया अंधकारपूर्ण है। कल्ली, वलावन, सेम्बिदास तथा सनेई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लोर नदियों में स्थित है। तो ये नाम पूछ सकता है कि किस नदी के मध्य स्थित है, तो पेन्नार और वेल्लारू, याद रखना पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य जो चोल पहले के चोल थे, जो पूर्वी तमिलनाडु पर स्थित थे, वो यही थे। इन दो नदियों का नाम याद रखा, पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित थे। तो कल्ली, वलावन, सेम्बिदास तथा सनेई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य, ये चोल राज्य थे, स्टेट जैसे हम लोग अब स्टेट बोलते हैं, तो चोल राज्य थे जिसको ये लोग नाडू बोलते थे। ठीक है, तो चोल राज्य से संबंधित थे ये लोग, ये राज्य थे जो कि किसके किनारे बीच में स्थित थे, पेन्नार और वेल्लारू नदी के बीच में। मान लो ये नदी है, एक नदी इधर से बह रही है, एक नदी इधर से बह रही है, और ये बीच में चोल साम्राज्य की कुछ
कुछ राज्य जैसे कल्ली, वलावन, सेम्बिदास, सेनई। तो आपको कब ये भी देख सकते हैं, चार नाम दे देंगे ये, कि एक तीन नाम दे दे, कल्ली, वलावन, सेम्बिदास और दूसरा कुछ और स्टेट नाम दे दिए। पूछेंगे इनमें से कौन सा चोल साम्राज्य का राज्य नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि चार थे और कौन सा नहीं था। ठीक है, दूसरा था चोलों की प्रारंभिक राजधानी। अगर पूछे जो सेकेंड सदी में चोल थे उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो आप उत्तरी मन्नलूर थी इनकी। थोड़ा नाम मैं बार बार बोल रही हूँ, टफ है, लेकिन आप लोग ये सारे नाम सिविल्ला और मन्नलूर सारा सेम लग रहा है, आपको याद करने पड़ेंगे। उत्तरी मन्नलूर थी इनकी कैपिटल, पहले उत्तरी मन्नलूर थी, बाद में उरायूर और तंजावुर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं टिक मारते चल रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। तो उत्तरी मन्नलूर पहले थी, बाद में इनकी उरायूर तथा तंजावुर राजधानियां बनी, एलारा चोल राज्य। तो पहले जो नाम मिलता है वो एलारा का मिलता है, लेकिन ये महान शासक नहीं था, महान शासक था कारिकाल। तो दो नाम याद रखना, दो राजाओं का, एक एलारा दूसरा कारिकाल, यही दो नाम है बस, बाकी नहीं। ईसवी पूर्व दूसरी सदी में एलारा नामक चोल राजा श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर उस पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। तो श्रीलंका, क्योंकि आप लोग जानते हो तमिल के नीचे कौन सा है देश, श्रीलंका है, जिस पे इसने विजय प्राप्त कर ली और वहां पर 50 वर्षों तक शासन किया। दूसरा है करिकाल चोल राजा, या प्रारंभिक चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण राजा था, जो सेकेंड सदी के आपके चोल राजा थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महान शासक है करिकाल, ये नाम याद रखना करिकाल। चोल राजधानी कावेरी पट्टनम पर रचित पत्तुपाद नामक एक लंबी कविता में लेखक पट्टी नरपाले ने करिकाल के बारे में लिखा है। पट्टी नरपाले ने पत्तुपात नामक एक लंबी कविता लिखी है, जिसमें करिकाल के बारे में लिखा गया है, ठीक है, जो कि कावेरी पट्टनम पर रचित है। करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार, पुहार याद रखना, ये चोलों की तटीय राजधानी थी, जिसको आज कावेरी पट्टनम बोलते हैं आप लोग, पुहार को ही, की स्थापना की थी करिकाल ने। तो अभी पुनेरी शायद बताया था ना, दैट इज पुहार, कावेरी पट्टनम, जो कि अगर वहां पुहार भी दे दे कि पुहार या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी, तो करिकाल ने की थी। करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का लंबा बांध बनवाया था। इतना ही फैक्ट अगर आप याद रखोगे करिकाल में, इससे बाहर नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये मेरे बनाए हुए नोट्स थे जब मैंने नेट की तैयारी की थी, और यहाँ से क्वेश्चन आए थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया था। तो एज इट इज मैंने आप अपने नोट्स आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट फॉर यू गाइज आई चेंज माई मीडियम एंड नाउ मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, किसी में पूछ लीजिए मैं दोनों बता दूंगी, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य, अब बात कर देखिए, दो राजा हो गए एलारा और करिकाल, ये कौन से थे, सेकेंड शताब्दी के थे, जिनकी जानकारी हमें मिलती है मेगस्थनीज द्वारा और अशोक के द्वारा और महाभारत के द्वारा, लेकिन अंधकारपूर्ण है इनकी स्टार्टिंग इतिहास। बाद में जो हम देखते हैं 9वीं शताब्दी आते आते, जो पल्लव राज्य के सामंत थे विजय आलय, ये पल्लव वंश के सामंत थे, और उसी के बाद उन्होंने विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की 850 से 887 में। उनका पुत्र आदित्य प्रथम 880 से 907 तक, और परांतक प्रथम ने 907 से 955, राजराज प्रथम ने 985 से 114, राजेंद्र प्रथम 114 से 144, राजाधिराज प्रथम 44 से 52। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, लिखा है, मैं क्या ही बोलूँ, सारी चीजें मैंने लिख दी है। तो इनका अंत होता है करीब 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के आसपास, 1279 में। धीरे तब भी देख रही है, इन्होंने 800 से शुरुआत करी और 1200 1300 आते आते तक रूल किया है, 400 सालों तक, 300 सालों तक, बहुत होता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही प्रतापी शासक रहे होंगे, तभी इनको कोई डिफीट नहीं कर पाया और ये रूल करते रहे। और देखिए इतने राजा, इतने राजाओं का नाम आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। आपने जो पढ़ा है वो ही मैंने पढ़ा है मैम। अच्छा बिल्कुल, हाँ मैं बताऊँ मैंने कौन सा पढ़ा है, मैंने किरण पढ़ी हुई है, किरण और बहुत सारी हिस्ट्री की बुक, तो बहुत सारे से मैंने कलेक्शन लेके नोट्स बनाए थे। तो आपके नोट, मैं अपने नोट्स बाद में शेयर जरूर करूंगी आप लोगों से, तो देख लीजिएगा मेरे नोट्स की मैंने कैसे तैयारी की थी, ठीक है। तो ये सारे नाम आप लोग
देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इतने रूलर्स थे। और आज हम दो तीन लोगों का नाम पढ़ेंगे बस, और उसके बाद सेकंड जो आएगी हमारी पार्ट, इसकी सेकंड पार्ट में हम लोग पूरे राजाओं को कवर करेंगे कि किसने किसको पराजित किया, किससे कौन पराजित हुआ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि जो चोल प्रशासन था, जितना आज मैं बता रही हूँ, जो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं ये जरूर याद कर लेना, बाकी कुछ याद करो चाहे ना याद करो। ठीक है, तो जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था या चोल प्रशासन था, उसपे जो अधिकारी थे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दरोगा जी बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, एसपी जो बोलते हैं, ऐसे इनके भी अधिकारियों के नाम होते थे, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज में होते थे। तो अधिकारी वर्ग हैं जैसे अपर श्रेणी या अपर क्लास या निम्न क्लास, ऊपरी श्रेणी, निम्नस्थ श्रेणी, अपर क्लास या निम्न क्लास। तो जो अपर क्लास के अधिकारी होते थे उनको बोलते थे पेरुंदनम। क्या बोलते थे? पेरुन्नदन, पेरुन्दनम। वैसे ये सब नाम मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाएं तो कोई बड़ा गुनाह हो जाएगा, मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसीलिए जब जो चीज टफ होती है ना, उसको एग्जाम के जाने से 2 दिन पहले याद कर लिया करो, जो उस पे मार्क कर लिया करो कि इस चीज को मुझे बाद में पढ़ना है। क्योंकि एक बार हम पढ़े होते हैं, कुछ चीजें होती है जो एक बार पढ़ने से ही याद हो जाती हैं, कुछ चीजें होती है जिनको बार बार हमें देखना पड़ता है। और एग्जाम के टाइम जब हम जाते हैं तो उस टाइम अगर पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाती है। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट उसका ऑप्शन देखते ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन देखते ही हमें वो रिकॉल हो जाता है। तो ये फायदा मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें फायदा भी है। ठीक है, तो जो निम्न स्थल श्रेणी थे उनको सिरुवंदम, जो शिरुंदनम बोलते थे, पेरुंदनम और शिरुंदनम। तो ये दोनों नाम याद रखना। पूछ सकता है कि अधिकारी वर्ग को कितने भाग में विभाजित किया गया था? 2 भाग में विभाजित किया गया था, एक अपर श्रेणी के और एक निम्न श्रेणी के, जिसको अपर श्रेणी को बोलते थे पेरुंदनम, निम्न श्रेणी को बोलते थे सुरंदनम। एंड वडेक्कार, वडेक्कार किसको बोलते थे? राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक, जो बॉडीगार्ड था राजा का, किंग का, उसको वडेक्कार बोलते थे लोग। सेना के बड़े अधिकारी नायक, सेना नायक और महादंड नायक कहलाते थे। उडन कुट्टम, उडन कुट्टम राज्य के उच्च अधिकारी होते थे, उडन कुट्टम। मुख्य अधिकारी थे ओलय नायकम, प्रधान सचिव बोलते थे। तिरुंदनम एक प्रधान कर्मचारी था, एंड विडयधिकारिन कार्य प्रेषक था। आई नो नाम नहीं याद होगा, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ एक ही दिन में याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रांत के, जो हम लोग प्रांत आज स्टेट बोलते हैं या कुछ, उसको ये लोग मंडल बोलते थे। तो मंडल को इन्होंने 6 भागों में विभाजित कर रखा था। और मंडल जो है, जैसे मंडल जो मंडल था, प्रांत था, वो 6 भागों में विभाजित था। बट मंडल जिसको ये लोग बोलते थे उसको वडनाडु, नाडु, कुर्रम में विभक्त किया था। कहते थे वडनाडु, नाडु, कुर्रम, ये याद रखना नाम। ऑप्शन एक बदल देगा कि वडनाडु, नाडु, कुर्रम, इसमें से कौन सा चोल साम्राज्य का नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत दे देगा। ये सारे नाम याद रखना। अब देखिए, टैक्स मैंने हर बार बताया है कि किसी भी राज्य की स्थिति कैसे मजबूत होती है, टैक्स वसूल करके। अगर टैक्स नहीं वसूलेंगे तो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, अपना राजस्व कोष कहाँ से भरेंगे। तो टैक्स हर जगह वसूलते थे। इसमें सबसे बड़ी बात थी टैक्स विवाह पर भी, टैक्स जो विवाह करते थे लोग उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। और नमक पर भी ये लोग टैक्स लेते थे, नमक कर, जिसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ, याद है? नमक कानून तोड़े थे, नमक कानून, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने भी नमक सॉल्ट लॉ लाया था और नमक पर कर लगा दिया था, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो इसने यहाँ पर याद रखना कि ये भी विवाह पर कर लेते थे और नमक पर कर लेते थे। तो जो कि थोड़ा सा नेगेटिव आता है कि भाई विवाह और नमक कर तो किसी ने नहीं वसूला, इन्होंने कैसे वसूला? तो करों की वसूली के लिए जो शब्द थे वो थे हरे, वरी, मनरुपाडु एंड दंडम। ये 4 वर्ड यूज करते थे लोग वसूली के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं टैक्स कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? ब्याज। हिंदी में टैक्स को क्या कहते हैं? टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कर। हाँ, कर, कर की वसूली, कर आगे लिखा हुआ है, टैक्स कर। तो उसी जैसे हम लोग टैक्स बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड टैक्स बोलते हैं, कर नहीं चुकाएंगे ये सब। तो ये लोग, इनका नाम, इनका था वर्ड हरे, वरी, मनरू, पाडू, दंडम। ठीक है, उपयाम। चलिए, नेक्स्ट है काशु। काशु किसको कहते हैं? ये एग्जाम में आया हुआ है। अब किस साल आया था काशु ये मुझे नहीं पता है, लेकिन नेट में आया गया क्वेश्चन है कि काशु किस प्रकार का सिक्का था, सोने का था, चांदी का था या पीतल का था, किसका था? तो सोने का सिक्का था, चोल साम्राज्य में इसको काशु बोलते थे। वेल्ली बोलते थे, भूमि की, भूमि कर की इकाई होती थी वेल्ली।
एंड वरित पोत्तकारा राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। तो इतना अगर आप लोग याद करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, और मैं ये नहीं कहती सारे युद्ध आप लोग याद कर लो, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे युद्ध हुए थे इनके बीच में, लेकिन ये जो पांच युद्ध है बेटे ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, नाम थोड़े टफ हैं, हमें भी याद करने में दिक्कत हुई थी, आपको भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। वेल्लूर का युद्ध 915 में परांतक प्रथम ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका के संयुक्त सेनाओं को बुरी तरीके से परास्त किया, इसीलिए परांतक प्रथम बहुत फेमस हो गया था। लेकिन बाद में परांतक प्रथम को 49 में पराजित कर दिया था कृष्ण तृतीय ने, किसकी मदद से, पश्चिमी गंगों की मदद से, जो भी मैप में समझाया आपको। तो 915 में परांतक फर्स्ट ने वेल्लूर के युद्ध में पांडे पांडे जो भी मैंने समझाया कि इनके कंटेम्परेरी थे, राष्ट्रकूट, पांड्यास, पल्लव और वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य कंटेम्परेरी थे। तो कंटेम्परेरी मतलब समकालीन जो रूलर्स होते थे, समकालीन किंगडम्स जो होते थे, वो आपस में खुद को ऊपर साबित करने के लिए, खुद को सुपीरियर बनाने के लिए या अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहते थे। किसी के दोस्त बन जाते थे, किसी के दुश्मन बन जाते थे, किसी को अपने राज्य में मिला लेते थे, किसी को राज्य छीन जाता था। तो ये सब इतिहास में होता रहा। तो 915 में परांतक प्रथम ने हराया इसको, लेकिन तोकोल्लम युद्ध, तोकोल्लम के युद्ध में 1949 में कृष्ण तृतीय, जो कि कृष्ण राष्ट्रकूट शासक थे, अभी बताया था मैंने मैप जब बता रही थी, तो कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों को बुरी तरीके से परास्त किया, और चोल कौन, यही परांतक प्रथम इसमें परास्त हुए थे। उसके बाद इसमें जब चोल परास्त हुए थे तो इनको लगा था कहीं ना कहीं अब चोलों का विनाश हो जाएगा, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि इनके जो आने वाले और शासक थे वो कमजोर शासक नहीं थे, अगर कमजोर शासक हुए होते तो शायद ये भी साम्राज्य उसी समय विलुप्त हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। कुंडल संगमम का युद्ध अभी किसी ने बताया था, कोप्पम का युद्ध 1052 में, कुंडल संगम का युद्ध 1062 में, क्या बात है, नाम भी याद है। हाँ जी चलिए चले, तो कुंडल संगम का युद्ध चोलों द्वारा सोमेश्वर प्रथम, यही अभी बताया था कि यही सोमेश्वर प्रथम थे जो पराजित हुए थे। अच्छा, सोमेश्वर प्रथम किसके राजा थे, कालीचूर ऐसे कुछ डायनेस्टी थी उसके राजा थे, आई थिंक, अभी मुझे याद नहीं रहा, कालीचूर या कहीं के डायनेस्टीज के राजा थे सोमेश्वर प्रथम, जिनको इसने पराजित कर दिया था चोलों ने, और इन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी, तुंगभद्रा नदी में, क्योंकि पराजित हुए थे उसमें शर्म के मारे इन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है। तो विजय स्तंभ बनाया गया इन्हीं के जो है इस घटना को याद करने के लिए विजय स्तंभ बनाया गया था, किसके द्वारा, ये मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, एक बार मुझे देख, हाँ, राजेंद्र ने विजय स्तंभ बनाई थी इन्हीं सोमेश्वर प्रथम के डूब के मरने की, उसमें तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ बनाई थी, कि मतलब मैंने इनको पराजित, इसी से पता चलता है कि राजेंद्र ने इनको पराजित किया और ये तुंगभद्रा नदी में डूब कर जान दे दिया, और इन्होंने उसी उपलक्ष्य में विजय स्तंभ वहां बनवाया था, विजय स्तंभ अपनी जीत के लिए स्तंभ बनवाया था। वेड़ी का युद्ध और वह परलंदलाई का युद्ध, ये करिकाल ने दोनों लड़ा है, इसमें 11 राजाओं के समूह को पराजित किया है और इसमें 9 राजाओं के समूह को पराजित किया है, ठीक है। तो ये चीजें, चारों पांचों जो युद्ध हैं, इसको कल्याणी के चालुक्य थे मैं काल अच्छा कल्याणी सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के चालुक्य, ये मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा था। तो ये पांच युद्ध जरूर याद कर लेना, बाकी जितना मैंने अभी लिखित दिया है, रिटेन में दिया है, वो ज्यादा जरूरी है, बाकी आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेरा रिटेन हैंड रिटेन नोट्स हैं उस पे जरूर फोकस करिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट की। तो आई होप जितना समझाया है वो समझ में आया है ना, यहां से तो नहीं उड़ गया सबके। जितना समझाया बच्चे उतने समझ में आए हैं ना, यस और नो? अरे मैम, सोमेश्वर की याद में वीर रजन ने विक्ट्री टावर बनवाया था, हाँ वही विजय स्तंभ, उसको विक्ट्री टावर बोलते हैं,
जो तुंगभद्रा में उन्होंने जान दे दी थी, विजय स्तंभ, विक्ट्री, आप उसको विक्ट्री बोल सकते हो कि विक्ट्री टावर था, या स्तंभ मतलब टावर, तो उसी के उपलक्ष्य में बनाया था। उसमें अपनी जीत दिखा रहा था, उसके सोमेश्वर की याद में नहीं बनाया था, उसमें अपनी जीत दिखानी चाह, अपनी विजय दिखाना चाह रहा था कि मैंने सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था। उसकी शर्म में उन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर जान दे दी। चलिए, तो ये था सिनेरियो किसका, चोला डायनेस्टीज का। अब कहीं ऐसा ना लगे कि आप लोगों ने सुना नहीं ये सारे नाम, अब बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ चोला डायनेस्टी, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो द रीजन ऑफ द चोलास बिगेन द 19th सेंचुरी, जैसे बताया कि विजयालय ने इसकी स्थापना की थी, व्हेन दे डिफीटेड द पल्लवास, जब इन्होंने पल्लव, इन्हीं के सामंत थे ये लोग, पहले ही बताया। अच्छा, सामंतों का क्या होता था, सामंत के हाथ में कुछ ना कुछ पावर होते थे, बाद में वो पावर को गेन करते करते कई सोल्जर्स अपने हाथ में ले लेते थे जो उनकी सुनते थे, और बाद में उसी राजा की गद्दी पलट देते थे। तो बहुत सारे इतिहास मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, तो टू केम इन टू पावर, पल्लवास के बाद ये पावर में आ जाते हैं जो इनके सामंत थे। दिस रूलर स्टेज्ड ओवर 5 लॉन्ग कंट्रीज अंटिल द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी तक जो है 5 लॉन्ग कंट्रीज पर, जैसे श्रीलंका बताया मैंने, बहुत सारे अरबी इलाके दिखाए कि उन पे जीत हुई थी इनकी। तो हाउएवर अराउंड द 2nd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी के बाद जो करिकाल की थी उसकी, ये 9th सेंचुरी की, 9 to 10th 13th सेंचुरी, बट जो 2nd सेंचुरी के चोल थे वो कहीं ना कहीं उनके इतिहास अंधकारपूर्ण था। उस समय का इतिहास हमें यह मिला नहीं, क्योंकि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वही पढ़े जा सके हैं पहली बार जेम्स ब्रिंसअप द्वारा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी डिकोड नहीं की जा सकी है, जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, उसको डिकोड नहीं कर सके हैं, इतिहासकार को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो बहुत सारी चीजें इस चक्कर में, और रही उसमें पेज उसका था नहीं कि हमने पेज पर या लैपटॉप पर कुछ लिख दिया जो कि बहुत सारे सालों तक सही रहता है। पहले बुर्ज के पत्ते पर लिखा जाता था इतिहास, बुर्ज के पत्ते से, स्याही से उस पर लिखा जाता था, जो कि ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख पाना बड़ा मुश्किल था कि उसको ज्यादा दिन तक हम लोग सेफ रख पाए। तो बहुत सारे इतिहास ऐसे ही खत्म हो जाते थे। जैसे वह इंसान की हिस्ट्री है कि वो जब आया था भारत, तो उसने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ने के लिए भारत आया था, तो जब यहाँ से वो जा रहा था उसके पास कश्मीर का इतिहास, हर्षवर्धन का इतिहास सब था। तो जब वो रास्ते में पहुंचे तो उसकी जहाज जो है समुद्र में डूबने वाली थी, तो बहुत सारे जो उसके पास सामान थे उसके, जिसमें बहुत सारे इतिहास भी थे, उसने पानी में ही फेंक दिए। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास हैं जो नष्ट हो गए, जो हमारे पास नहीं रहे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जब जला दिया गया तो वहां पे बहुत सारे हमारे लिटरेरी सोर्सेज का जल के राख हो गए, बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिली, या बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे सामने आई हैं वो टूटी फूटी अवस्था में आई हुई है, पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो वैसे ही उन्हीं का जो 2nd सेंचुरी के चोल साम्राज्य थे उनकी इतिहास हमें नहीं मिल पाया है पूरी तरीके से। हो सकता है इससे भी महान शासक रहे हो वो लोग, या बहुत सालों तक रूल किया हो, श्रीलंका से आगे भी वो लोग हो सकता है बढ़े हो, लेकिन वो इतिहास हमें नहीं मिल पाया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे इतिहास हमारे विलुप्त हो चुके हैं। तो द स्टेट आंध्र हैज अ चोला किंगडम दैट फ्लॉरिस्ट फॉर एंड वाइड। द अर्ली पीरियड्स ऑफ चोलाज रूल सॉ द ऑनेस्ट ऑफ द संगम लिटरेचर, जो संगम अभी लिटरेचर बताया बारे में, संगम युग के जो है चोलास थे, जिसमें कारिकार और एलारा नाम बताया वो, ठीक है। कांतमन वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस एरा। द मिडुअल पीरियड वाज द एरा ऑफ एब्सोल्यूट पावर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चोलन। तो वो जो हमें नहीं मिला इतिहास उनके बारे में, वो ज्यादा इतिहास हमारा विलुप्त माना जाता है। तो द मिडुअल पीरियड के, जो मिडुअल पीरियड के थे, जो विजयालय से शुरू होता है, वॉज द एरा एब्सोल्यूट पावर ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब इनकी पावर का, डेवलपमेंट पावर का चोलास का शुरू होता है मिडुअल में। जबकि कार्यकाल के बारे में आपने देखा ही इतना ही महान शासक था, लेकिन क्योंकि इतिहास अंधकारपूर्णमय है इसलिए नहीं मिला। दिस इज वेन किंग लाइक आदित्य प्रथम एंड परांतक प्रथम फ्रॉम ही राजेंद्र चोला एंड राजेंद्र चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल फर्दर एक्सपेंडेड द किंगडम इनटू द तमिल रीजन। तो ये सारे जो भी राजेंद्र चोल, राजा राज चोल, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, इन सब का नाम, आदित्य प्रथम के बारे में थोड़ा सा तो है, बाकी कल राजाओं के बारे में, उनकी रानियों के बारे में, उनका कनकर्ड कहाँ कहाँ, उन्होंने किस किस चीज को जीता, कनकेस्ट किया, उस सब के बारे में हम लोग कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।
और बहुत सारे 50 क्वेश्चंस के क्विजेस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस बनता है संगम युग के चोला से और मिडवल के चोला से, वो सारे 50 क्वेश्चंस मैं वही क्वेश्चंस उठा के दूंगी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर उसको आप लोग कर लेते हो तो समझ लेना एग्जाम आपका एकदम क्लियर है। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैंने हमेशा कहा है फोकस हिस्ट्री को पढ़ो एक बार और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तब तक हमें लगता है हमें सब कुछ आ रहा है। जैसे ही क्वेश्चन को लेके बैठते हैं लगता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसके बारे में तो कभी हमने सुना ही नहीं, तो ऐसा ना फील हो हमें। ठीक है, इसलिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आए हुए एग्जाम में और कहीं से भी जो क्वेश्चन मिले। हो मैम आप कहाँ से हो, मतलब यू ऑन माई पर्सनल इंक्वायरी, पर्सनल चीजें जानना चाह रहे हो जो अलाउड नहीं है कि मैं बता सकूं आपको कि कहाँ से है। चलिए बता देते हैं क्या ही है। मेरा जो नेटिव टाउन है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहाँ मैं पैदा हुई। लखनऊ के पास एक प्रतापगढ़ शहर है, वहां पैदा हुई। उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और पीजी किया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली से मैंने नेट की तैयारी की और नेट एग्जाम दिया, वहां नेट क्लियर किया। और अब मेरी शादी हुई है पंजाब में, तो मैं इस समय हूँ जलंधर में, जहां से आप लोगों की क्लास ले रही हूँ। अमृतसर जानते ही आप लोग, तो जलंधर से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो जलंधर में मैं प्रेजेंट टाइम पीरियड में मैं जलंधर में बैठी हुई हूँ। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही पर्सनल इंक्वायरी है, दैट्स इट। ठीक है, तो कहां पर थे हम लोग, चलिए कहां थे भूल गई, हाँ तमिल रीजन में। हाँ कि पहले था कि जो वो थे संगम युग के, फिर उसके बाद तमिल रीजन में जो ये फेमस जो जो इस राज्य को बहुत ऊंचाई पर ले गए, उनमें राजेंद्र चोला, राजे राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम का नाम पहले आता है, लेटर कुलोत्तुंगा चोला, कुलोत्तुंग टुक ओवर कलिंगा, एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग रूल, दिस मैग्निफिकेंस लेस्टेड अंटिल द अराइवल ऑफ द पांड्यास इन द अर्ली 13th सेंचुरी। उसके बाद पांड्यास के बारे में शुरू हो जाता है इतिहास, इनके बाद पांड्यास शुरू हो जाते हैं और इनका अंत होता है 13th सेंचुरी के आसपास और पांड्य का रूल शुरू होता है। तो अभी चोल पढ़ रहे हैं, फिर चेर, पांड्य, पल्लव, ये सारा हमें पढ़ना बाकी है। तमन्ना प्रतापगढ़ होम टाउन, प्रतापगढ़ यूपी वाला प्रतापगढ़ ना, जिसमें राजा भैया कुंडा के हैं, वही प्रतापगढ़। क्योंकि दो प्रतापगढ़ है, एक राजस्थान में भी प्रतापगढ़ है। तो जो यूपी उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी मैं कई साल रही हूँ। ओके तमन्ना, ठीक है ठीक है, गुड गुड। प्रतापगढ़ में कहाँ, तमन्ना आनंद प्रतापगढ़ से कहाँ। चलो खुशी होता है जब अपने कोई सिटी, वैसे पूरे भारत के लोग से मिलके खुशी होती है, बट अपने जो नेटिव प्लेस होता है उससे जब मुलाकात होती है तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, गुड। सम प्रोमिनेंट पिलर्स ऑफ द चोला एम्पायर, पिलर्स मतलब ये नहीं खंभा, मतलब कहते नहीं कि ये इसके पिलर हैं, इसके मजबूती बनाने के जो है कुछ लोग इसमें हाथ दिए हुए हैं। विजयालय, ये फाउंडर संस्थापक थे, आदित्य प्रथम। सारे रूलर्स के बारे में हमें पढ़ना है लेकिन वो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में, एक घंटे में खत्म नहीं हो सकती। ये डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। ठीक है, कत्र गुलाब सिंह, कत्र गुलाब सिंह, समझे नहीं, कत्र गुलाब सिंह, चलिए समझे नहीं आप क्या कह रहे हो अभी। विजयालय थे, द चोला एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय विजयालय, अभी बताया था संस्थापक थे विजयालय। ही टुक द ओवर द तंजौर किंगडम इन 18th सेंचुरी एंड लेड द राइज ऑफ द माइटी चोलास बाय डिफीटिंग द पल्लवास, पल्लव को पराजित करने के बाद इन्होंने तंजौर पर एक किंगडम स्थापित की, दैट इज। अच्छा कटरा गुलाब सिंह, ओके ओके, कटरा से हैं आप, चलिए ठीक है। तो वहां तो हम लोग मार्केट करने जाते ही रहते थे।
अभी मैं जैन में आ ही रही हूँ प्रतापगढ़। जनवरी में मैं अपने नेटिव प्लेस आ रही हूँ, मेरा मायका वहीं है, तो मैं आने वाली हूँ। चलिए गुड। तंजोर वॉज हिंस मेड द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एमिनियंट चोला एम्पायर। तो फर्स्ट कैपिटल अगर पूछे तो आप बताओगे तंजोर, जो कि वी क्वेश्चन आंसर्स में मैंने पूछा था। ठीक है। सेकेंड है आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट सक्सीडेड विजयालय टू बिकम द रूलर ऑफ द एम्पायर। तो विजयालय के जो अगले सक्सेसर भी ने जिसने जिसने विजयालय को सक्सीड किए, उनका अगला गद्दी पर बैठने वाला राजा था वो था आदित्य प्रथम। एंड ही डिफीटेड किंग अपराजिता, ये बहुत ही बार पूछा गया है। अपराजिता आई थिंक पल्लव वंश का राजा था, उसको पराजित किया। एंड द एम्पायर गेन्ड मैसिव पावर अंडर हिज विज। ही कंकरेड द पांड्यास किंग अलॉन्ग विद द वधुम्बाज एंड एस्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर द पल्लवाज पावर इन द रीजन। जो असली पावर एस्टैब्लिश किया वो थे आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट है राजेंद्र चोला, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर। ही सक्सीडेड द माइटी राजराज चोला। राजेंद्र फर्स्ट वॉज द फर्स्ट ऑफ द वेंचर ऑफ द बैंक्स ऑफ गंगा, जो विजित करने के लिए निकला वेंचर गंगेज बैंक को, गंगा के किनारे को जीतने के लिए पहली बार निकला वो था राजेंद्र फर्स्ट। एंड ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द विक्टर ऑफ द गंगाज, गंगेज को विजित करने वाला राजा। एंड हिज न्यू एम्पायर कैपिटल वॉज कॉल्ड गंगईकोंड चोलपुरम। उसके बाद इनकी नई कैपिटल बनी तंजौर के बाद। मैम मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, बट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सो इसलिए आपकी क्लास सुनती हूँ। अरे हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं आप, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? अच्छा अगर इंटरेस्ट है, या कौन बनेगा करोड़पति में जाना है, या अगर यूपीएससी, देखिए सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या ना हो लेकिन हर एग्जाम में आ रहा है। एसएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, पीसीएस में आता है, स्टेट पीसीएस सारे में आते हैं। तो उसके इंटरेस्ट में अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, और अगर आप यूजीसी नेट की भी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट की तैयारी करिए आप, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हिस्ट्री मत पढ़िए। अगर आपको स्टेट पीसीएस देना है, अदर पीसीएस देना है, या यूपी पीसीएस देना है, कोई भी पीसीएस देना है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सिर्फ नेट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो नेट के एग्जाम के लिए बेटा बहुत टाइम देना पड़ता है, अपना पूरा जी जान लगा देना पड़ता है। तो अभी उसमें लगाइए, बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी रहेंगे, आप कभी भी देख लेना। और थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो गंगई कोल चोलपुरम इसका जो है, इसके बाद इन्होंने कैप्सूल बनाया इसका, वेयर ही रिसीव्ड द टाइटल, जहां पर इन्होंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, जहां पर इनको टाइटल मिला गंगई कोंडा, किसकी विजय के चक्कर में, जब इन्होंने विक्ट्री की गंगेज की। ठीक है। तो दिस पीरियड इज रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ द चोला। इसी पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज, मतलब स्वर्ण युग, हिंदी में इसको कहते हैं स्वर्ण युग। आफ्टर हिज रूल द किंगडम विटनेस्ड अ वाइड स्प्रेड डाउनफॉल। इसके बाद ही धीरे 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 इस साम्राज्य को डाउनफॉल की तरफ जाते हुए देखा है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ये कल्चर एंड रूट्स कल पढ़ लेंगे। और उसके बाद कल्चर एंड रूट्स में वही है कि इनकी कल्चर क्या था, इन्होंने किस देवी के, कावेरी रिवर या शिवा टेम्पल के बारे में है, ये जो हेरिटेज माने जाते हैं यूनेस्को के बहुत सारे टेम्पल इनके, उसके बारे में है, वो कल बढ़ा देंगे हम। कल्चर एंड रूट्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के बारे में कल बता देंगे। और बस ये रह गया, और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट चोल राजा रह गए हैं, जैसे राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ये सब के बारे में कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलेंगे, कल मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। तो फिर परसों मिलेंगे, कल मेरा ऑफ है। तो मैम दिसंबर वाले एग्जाम के लिए फॉर्म फिल हो गया क्या? अभी कहाँ हुआ, अभी नहीं हुआ है, कोई फॉर्म आया ही नहीं, दिसंबर का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। इंटरेस्ट है। अच्छा, रिलीफ फ्रॉम माय रेगुलर सब्जेक्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई बात नहीं, तब पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है। बाकी जो है दिसंबर का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और मैं परसों आप लोगों से फिर यही क्वेश्चन के साथ मिलूंगी आगे, चोला के साथ ही, सेकंड जो हमारा पार्ट है चोला का उसमें। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो फटाफट ले लीजिए, और मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल ना भूले, PS007, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और क्लास को प्रमोट करिए, जितने जितने लोग देख सके उनको दिखाइए, और गुरु दक्षिणा दीजिए जहां भी बैठे हुए हैं वहां से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर से हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और जहां रहिए सुरक्षित रहिए।